मुल्क भर की तरह तहसील कोटछुट्टा में भी यौम आशूर इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। 10 मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से तहसील कोटछुट्टा में कुल 36 जुलूस बरामद हुए। यौम आशूर का मरकजी जुलूस दिन 12 बजे इमाम बारगाह अल हुसैन से बरामद हुआ, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ 1:30 बजे चोटी कलमा चौक पहुंचा, जहां पर मौलाना मंजूर हुसैन डमर की इक्तदा में नमाज जोहरैन की अदायगी के बाद मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस अज़ा से अलामा गुलाम अब्बास कुमी ने शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोशनी डाली। अली की इज्जत के सामने रहमत अल-आलमीन फरमाते हैं, मैं जहदाद बंगले कोठियां कारा बैंक बैलेंस कुछ नहीं मंगता, अगर कलमा पढ़ दी तो मेरी आल नाल मोहब्बत कर। बाद अज़ां जुलूस अड्डा कोटछुट्टा पहुंचा, जहां पर आज़ादारों की तरफ से जंजीर जनी की गई। जंजीर जनी के दौरान महकमा हेल्थ और रेस्क्यू 11-22 के अहलकार मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने जख्मी होने वाले आज़ादारों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। कोटछुट्टा से रवाना होकर जुलूस अपने मुकर्रा रास्तों से होता हुआ शाम 7 बजे करबला सुल्लेवाला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। करबला सुल्लेवाला में इख्तितामी मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलवी ताहिर अब्बास ने शुरका से खिताब किया। अकबर की जवानी तो शुरू थी जंग हुसैन के आखिरी सजदे पे खत्म थी। आशूरा के रोज़ SDPO सर्कल कोटछुट्टा मुनव्वर अहमद बुज़दार, SHO थाना कोटछुट्टा सैयद शकील अहमद बुखारी की ज़ेर निगरानी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील करके पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जुलूस के तमाम तर इंतजाम की निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर कोटछुट्टा मोहम्मद असद चांडिया भी सारा दिन जुलूस के हमराह रहे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया का कहना था, यौम आशूरा पर आज़ादारों की सहूलत के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं। आज हमारे टोटल 36 मकाम पर जुलूस थे, वो पुरअमन तरीके से अभी गुजर गए हैं। पुलिस भी हमारी डिप्यूटेड है, हमारा TMA का अमला है वो भी मौजूद है। जहाँ जहाँ रुकावटें थी वो भी हमने हटा दी हैं। पानी है छिड़काव वो भी हम स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे कोई ऐसा इशू रिपोर्ट भी नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अमन से गुजर जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अशरा मुहर्रम अल हराम के दौरान लाइसेंसदार सैयद सफदर हुसैन शाह ने भी तहसील इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतजाम के बारे में मुतमैन है, इंतजाम बहुत अच्छा था उनके, और मैं मरकजी इमाम बारगाह हुसैन का जुलूस की क्यादत कर रहा हूँ और लहसनदार भी हूँ। हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, इंतजामिया से और सफाई सुथराई से हर चीज़ फिट है। यौम आशूर को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मोबाइल सर्विस को बंद रखा गया, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगाई गई। अशरा मुहर्रम अल हराम को पुरअमन बनाने के लिए तमाम उलमाए मशायख, तहसील इंतजामिया और बिलखसूस हमारे सिक्योरिटी इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा।